हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा। और अभी मेरा आपको चंपी चंपी वाला लुक दिख रहा होगा, डोंट वरी। मैं सुबह उठ के नहाया तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली हॉस्टल में हूँ। जाके खाना वाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। आज संडे, हमेशा हमारा चाट बनता है, तो आज चाट बना था, आज चाट खा लिया। वैसे आज कुछ एग्ज़ाम है, शायद कल था OSSE का एग्ज़ाम और आज भी वही है शायद, इसलिए अभी एग्ज़ाम चल रहा है अपने लाइब्रेरी में। और ये एक्चुअली ये व्लॉग मैं कल शुरू करने वाला था, बट आज से शुरू कर रहा हूँ। अभी धूप स्टार्ट हो जा रहा है, इसलिए मैं कॉर्नर में जा रहा हूँ। कल इसलिए शुरू करने वाला था, कल मैं पढ़ रहा था लगभग 1 या 2 बजे तक, मुझे एक आइडिया आया कि एक ब्लॉग बनाता हूँ। इंजीनियर्स बिफोर फ्यू डेज ऑफ एग्ज़ाम, तो सोचा स्टार्ट करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो भाई आपको बैकग्राउंड नॉइज़ तो आ ही रहा होगा, यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ वो कंफर्टेबल होगा। आप ये वाला चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी हॉस्टल में, जैसे मैं आपको बोला हूँ मैं हॉस्टल में हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ हो रही रहा होगा। मेन प्रॉब्लम है मैं अपना ट्राईपोड लेके नहीं आया हूँ, तो कभी भी मतलब स्टैंड तो मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं फ़ोन रखने का एंगल वेंगल। तो मैं आइधर इस एंगल में मैं शूट कर सकता हूँ अभी जो साइड वॉल में रखे हैं, और आइधर इस एंगल में शूट कर सकता हूँ जैसे बाकी सब व्लॉग में शूट करता हूँ। तो उसी में ही अभी मेरे को क्या बोलते हैं, वो जो लिमिटेशंस मेरा आ जा रहा है, तो मैं उसी के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि आइधर ये एंगल वरना दूसरा इससे पहले वाला जो एंगल, उसमें ही शूट कर सकता हूँ। क्वालिटी ऑब्वियसली इम्प्रूव हुआ होगा क्योंकि सैमसंग में मैं शूट कर रहा हूँ। और इस ये एंगल में शूट करने में हाथ में एक डिमेरिट्स है, क्या है कि फ़ोन का जो माइक होता है एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, तो इस तरफ का माइक कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो सिर्फ इस तरफ का माइक से सुनाई देता है। क्योंकि मेरे पोको फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बाद में मैं एडिट करता हूँ वो भी परफेक्टली एडिट नहीं होता है दोनों माइक से सुनाई दे। तो ऑब्वियसली आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, आज का वेदर देखिए, आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, मस्त है। विंड नॉइज़ तो ऑब्वियसली आपको आ ही रहा होगा, और अपना कॉलेज में चलते तो क्या परिस्थिति है देखते हैं। देखिए गाड़ी वाड़ी जो आया है वो एग्ज़ाम के लिए आया हुआ है। देखिए आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वफिक है, इधर गाड़ी वाड़ी सब है, शायद तक एग्ज़ाम अभी मतलब जिसका ख़त्म हो जा रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। तो स्टिल मैं अपने फ़ोन को वहीं रखता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ़ोन में अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बैठना ही पड़ेगा, ये एंगल ठीक है, और ज़्यादा दूर जाऊँगा तो डिस्टेंस मेंटेन होगा, तो फिर वॉइस वहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल माइक तो है नहीं, मैं फ़ोन का ही माइक से यूज़ करता हूँ। और मैं अभी कुछ ज़्यादा ही पका रहा हूँ शायद। एक बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए ये नहीं, हाँ अपना तिरंगा ऐसा लहरा रहा है, तो वही अभी तो मैं छत के ऊपर ही आके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, कहीं जाने का तो मन कर रहा है। कल गया था मैं बाहर, हाँ ऑब्वियसली जिस दिन जाता हूँ तब शूट नहीं करता हूँ, जब जाने का आने का ख़त्म हो जाता है तभी मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो स्टे ट्यून। 2 hours later अभी मेरा लोकेशन चेंज हो गया, मैं अभी अपने बैल्कनी में आ गया हूँ खड़े होने, बाकी यहाँ पर कपड़े सूख रहे, थोड़ा बहुत दिख गया व्लॉग में आपको, कुछ नहीं बोर हो रहा था मैं बैठ के, बाहर जाने का प्लान था, बाहर जाने का प्लान भी मेरा कैंसिल हो गया। और इस तरफ का लोकेशन ना आपने नहीं देखा है सर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अपना बैल्कनी, ये अपना कॉलेज का लोकेशन, ये कैंटीन वेंट, उसका इस तरफ मेरा रूम है, यही इसके पीछे वाला मेरा रूम है। तो अभी कुछ करने को है नहीं, इसलिए बैठ के बोर हो रहा है। तो भाई लोग मैं अभी गया था बाहर, बाहर जस्ट घूम के आ गया, और गर्मी की वजह से मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, अभी रूम में आ गया हूँ। तो ये अपने डेस्क में बैठा हूँ मैं, सब चीज़ इधर उधर है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बुक्स इधर मेरे पीछे है, सब इधर उधर करके रखा है, खाली रात में बेड साफ करके सो जाते हैं, अपना पंखा लगा के आराम से हम सो जाते हैं। तो
गया था कुछ काम की वजह से बाहर में, कि वो काम नहीं हो पाया, वो उसके लिए फिर और एक दो दिन वेट करना पड़ेगा। देन फिर आए, शिवा लेके आया था कुरकुरे, कुरकुरे खा लिए। तो आज कुछ करने को है नहीं, बोर लग रहा है मेरे को। देखिए कितने स्टूडेंट्स आए थे हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम देने, पूरा गेट तक लंबाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पर एग्ज़ाम देने। Two hours later. Hey guys, this is the next day. तो ये दूसरा दिन है, तो मैं अभी जस्ट फ्रेश हो गया, उठ लिया, फ्रेश हो गया। आज थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो लेट होने के चक्कर में आज मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। आज पूरी बनता, पूरी खाता मैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रेकफास्ट मिस हो गया। और क्या बोलूँ, थक गया। और ये धूप में मैं ऊपर आया हूँ लाइटिंग के लिए। बाकी हाँ, धूप बोला अभी छाव हो गया। मौसम तो आज भी मस्त है, कल आपको दिखाया था कि मौसम कैसा बदल रहा है। बाकी अभी फिर से धूप हो जाएगा। कल रात को एक्चुअली सोते वक्त ना लेट हो गया था। मैं फ़ोन कर रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये एंगल तो आप ये वीडियो में शुरुआत में देखे ही होंगे, तो ये मेरे लिए तो नेक्स्ट डे है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कल रात को सोते वक्त थोड़ा लेट हो गया था, जैसे कि मैं संदीप महेश्वरी जी का एक मतलब इंटरव्यू टाइप का कुछ आता है उनके चैनल में, मैं देख रहा था टेक्निकल गुरु जी के बारे में। तो उन्होंने बड़ा ही सही बात बोला कि इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन दैट रूम देन यू आर इन अ रॉन्ग रूम। मतलब आप किसी रूम में अगर सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप गलत रूप में हो, क्योंकि आपका सीखने का तरीका पूरा मतलब बंद ही हो जाएगा, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट बंदे वहाँ पर होंगे। तो वही देख रहा था, बाद में थोड़ा बहुत पंकज त्रिपाठी जी का पॉडकास्ट देखा बियर बाइसेप्स के साथ, मतलब द रणवीर शो हिंदी में। बाकी उसी वजह से लेट हो गया। और ये व्लॉग आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि कुछ करने के लिए है नहीं। नीचे आपको देखा, मतलब आपने देखा कि मैं अपने रूम से आया और मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत डस्ट इधर उधर लग गया है। जब ये अभी कहीं बाहर भी मैं जा नहीं सकता, कल तो एग्ज़ाम था, मैं आपको दिखाया था कितने स्टूडेंट्स आए थे। कल मैं आपको बोल रहा था कि OS का एग्ज़ाम था, एक्चुअली OS का एग्ज़ाम सैटरडे को था। कल मैं दोस्तों से पता किया तो लगा कि कल JEE एडवांस ना कुछ था ऐसे यहाँ पे, तो वही JEE एडवांस का एग्ज़ाम था। अच्छी बात है। और बीच में मुझे बुखार हो गया था, मतलब कल के बीच में नहीं, मतलब कुछ ही दिन पहले बुखार हो गया था, जब कॉलेज का लास्ट वीक चल रहा था तब। तो तब से ये सर्दी हो गया है मुझे, ये सर्दी जा भी नहीं रहा है। आपको विंड नॉइज़ आ रहा होगा, बस सैमसंग में इतना पता नहीं चलता कि विंड नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। अभी जाके फिर से मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगा मेरे पास जो है, बाकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए रूम में चलते हैं। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट आज, सत्तू में मैं मिक्सचर डाल के मैं खा रहा हूँ। तो बाकी कॉफ़ी सब रेडी हो गया है,
यहाँ पर लैपटॉप भी चार्ज्ड है, फिर आके पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी ऑलमोस्ट मेरा पढ़ाई ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहा हूँ और क्वेश्चंस यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, वो पूरा झंझट है। या तो मैं एक कुरकुरे खाना है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग को, मतलब मेरे दोस्त जो हैं उनका ग्रुप में कुछ मैसेज आया था कि उनका लैब रिकॉर्ड का कुछ सबमिशन है, इसलिए सब तीनों गए हैं अपना लैब रिकॉर्ड सबमिट करने। मेरा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जो लास्ट डे था सेकंड ईयर का, उसी दिन मैं सब कुछ असाइनमेंट ए टू जेड चीज सबमिट करके आ गया था। तो अभी बैठा हूँ गर्मी में, लगा दे रहा हूँ फैन। अभी आपको पूरा सूजी सू ऐसा साउंड आएगा, ये मेरे को आराम मिलेगा। इसके बाद मैं जाऊँगा कैंटीन खाने, कैंटीन में खाऊँगा, फिर उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। कुछ करने को ही नहीं, ये ब्लॉग का मैं टाइटल डालूंगा द बोरिंग ब्लॉग। एमएन का भी ब्लॉग देख रहा था, हो गया। 2 hours later. तो अभी शाम का टाइम है, हम वो इंफोसिस रोड की तरफ आए हैं। बाकी आज बहुत ही ज़्यादा चल रहे थे हम, देन अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम लाइब्रेरी में बैठे थे। तो दोपहर में एक्चुअली रूम में बहुत गर्मी लगती है, तो इससे अच्छा थोड़ा बहुत जो भी रिवीजन वाइज है, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम दोपहर का टाइम है, पूरा लाइब्रेरी में पूरा सेंटर ले सी है, तो आराम से आके वहाँ पर बैठे। कुछ 3:30 बजे के आसपास आए थे, 5:30 बजे वहाँ से अभी निकले। फिर मेरा कुछ काम था मार्केट में, हम आए थे। फिर इधर इंफोसिस का रोड है, यहाँ पर बहुत हम आएंगे सोच रहे थे, बट नहीं आ रहे थे। और यहाँ से अब अच्छा खासा नज़ारा भी है, तो आगे से हम छोटा सा कट आ रहा है, कट में कटिंग मार के फिर रिटर्न जाएंगे। आज ये मोटा को मैं कुछ ज़्यादा ही चला लिया। शाम होने को आ रहा है, अभी तक हम गए नहीं हैं, जाएंगे। 6:15 हुआ है, 6:30 की तरफ हम जाएंगे। और सैमसंग का लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, मेरे पीछे का आप सीनरी देख सकते हो। सॉरी, टैप्ड फोकस एक तो इसमें, हाँ उसका वाइट बैलेंस मैनेज नहीं कर पा रहा है सैमसंग, पर ना पीछे बहुत ही अच्छा खासा सीनरी है। मैं इसे लिया था, अभी दिख रहा था, चलेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, खेत में पानी जाता है उस तरफ का है, वहाँ पर, यहाँ पर मेरे कॉलेज के है, पूरा कॉलेज का व्यू दिख रहा है। मेरा वॉइस कट हो गया होगा, क्योंकि मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा था, उसमें कट हो जाता है। तो बाकी अभी हम यहाँ पर हैं, मेरे दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर आके थोड़ा बहुत ब्लॉग का कंटेंट शूट कर रहा हूँ। ये व्लॉग का टाइटल मैं डालूंगा ऑब्वियसली द बोरिंग व्लॉग। मैं क्यों खुद बोर हो रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं खुद ही बोर हो रहा हूँ, इसलिए गाड़ी जा रहा था ना मेरा, दिख रहा था वहाँ पर। अभी मैं बैठता हूँ थोड़ा बहुत, फिर जाते हैं, जाते वक्त मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगा, फिर वीडियो को अपलोड कर दूँगा। ये बहुत ही लंबा खींच रहा हूँ मैं। तो गाइज, आज का वीडियो यही तक था, क्योंकि मैंने जो इधर उधर घूम फिर के थोड़ा बहुत जो ब्लॉग बनाया था उसका ये। और अभी आपको फ़ैन का नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट पढ़ाई कम्प्लीट हो चुका है, तो मैं थक भी गया हूँ। और बीच में कुछ मोमोज भी हम खाए, तो उसका मैं क्लिप नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों के साथ था, ठीक है चलता है। तो ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लास्ट में फ्लैश हो रहा होगा, अदर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।